अभी यार इस समय बजे हैं 2 और मैंने बनाया है आज पिंक कलर का पराठा। ये चुकंदर को मैंने कद्दूकस कर लिया और आटे में गूंध लिया, वही नमक मिर्च मसाला अजवाइन और जीरा डाल के। और प्यार रायता भी मैंने पिंक कलर का बनाया पर इनको पसंद नहीं आया, मैंने बना रखा है ये पिंक कलर का। ये डायरेक्ट ड्रामे कर रहे थे तो मैंने कहा तुम बाइट ले लो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पिंकिश रोटी बनाई है आज और पिंकिश ही ये बनाया है, तो मैं खाना बना लूँ बाद में। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस समय बज रहे हैं, आज है 21 सितंबर और इस समय बज रहे हैं 8:30 बजे, ठीक है। और मैं जो थी अभी बाहर गई थी अपने हस्बैंड के साथ एक प्रोग्राम का, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि मुझे उस प्रोग्राम की को शूट करना है। वो प्रोग्राम था 21 सितंबर को रंग तरंग प्रोग्राम, जो कि हमारे घर के पास तालपुरा स्टेडियम में होना था और उसका टाइमिंग लिखा हुआ था 6 बजे, ठीक है। तो मैंने सोचा था 5:30 घर से निकल जाएंगे और जाकर फिर जो है ना अपना टाइम से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट का, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है बस से, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि 5:30 निकलेंगे, 5:45 तक पहुँच जाएंगे, पर इससे पहले एयरटेल की दुकान पर भी जाना था और बाहर मौसम भी बारिश का हुआ था, दोपहर को थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, सारी जगह गीला गीला हो गया। तो मैं अपने हस्बैंड को मना कर पटा कर किसी तरह उनको साथ लेकर घर से 6:15 बजे निकले और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एयरटेल की दुकान पे गए, वहाँ पे बात करी। उसके बाद जो है वो मेरा एयरटेल का काम हुआ ही नहीं है, जो चीज़ पहले अनाउंस कर दो ना वो होती नहीं है। वो मेरे को पोर्ट कराना था ना जियो का नंबर एयरटेल में, तो वो हुआ ही नहीं है। जियो की तरफ से पता नहीं क्या अंडर प्रोसेस आ रहा है, जियो की दुकान पे भी मैं गई तब भी नहीं, मतलब वो कह रहे हमने तो अपना कर दिया है, हमारी तरफ से तो ओके है, उधर से कह रहे हमारी तरफ से ओके है, वो बीच में फंस गया। इस चक्कर में ना 31 तारीख का पोर्ट कराने का दिया और आज हो गई 21 तारीख, अभी तक नहीं हुआ पोर्ट। तो आज मैंने जो था सिम वापस करके, उन्होंने सिम दिया था कि जब मतलब स्टार्ट हो जाते सिम डालना, तो मैंने अपने 250 रुपये दे रखे थे उसको चार्ज कराने के, तो वो मैंने आज वापस ले लिया, तो इसलिए शांति हो गई। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं 150 का रिचार्ज डेढ़ वहाँ से करा दूँगा जियो की दुकान से, ठीक है। तो हम दोनों जो थे ना, मैं गए तालकोटोरा स्टेडियम, जब वहाँ पे अंदर पहुँचे तो टाइम हो रहा था 6:45 बजे, सब गड़बड़ हो गई आज, ठीक है। तो 6:45 हो रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 बजे भी प्रोग्राम शुरू होगा तो 8 बजे तक तो चलेगा, इतना तो चलेगा, क्यों इससे कम तो नहीं चलेगा। तो देखा तो अंदर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा था, मैं खुश हो गई। देखा तो अंदर बहुत ही वो नहीं होता जैसे पॉप शो होता है, जैसे मतलब कि इंग्लिश गाने जो होते हैं वो गाए जा रहे होते हैं अंदर, वैसे मतलब कि जैसे मतलब कि जैसे वो कहते हैं ना बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं और उस पर इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा है और उसमें डांस वांस कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैं कहा ये तो वो प्रोग्राम नहीं है जो मैं शूट करने आई हूँ, मतलब मुझे वो कीर्तन का प्रोग्राम शूट करना था रंग तरंग सरदारों का, ठीक है। और ये तो कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स लगे हुए हैं और जैसे डिस्को टाइप के सॉन्ग होते हैं, वो एक बैंड आता है, बैंड आ रखा था और वो गाने गा रहा था, उसमें लड़के लड़के सब थे, ठीक है। तो फिर मैं कहा ये क्या है। मैंने सोचा शायद कैंसिल हो गया होगा, पर बाहर पोस्टर लगे हुए थे उस प्रोग्राम के, वो देखे मैंने बाहर पोस्टर लगे पर उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं शायद टाइम आगे पीछे हो गया होगा या दिन चेंज हो गया होगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अब आ ही गए और अंदर प्रोग्राम भी हो रहा है तो उसी को शूट कर लेते हैं। तो मैं फिर मेरे हस्बैंड शूट करने लग गए, मैं भी करने लग गई, हम दोनों ही करने लग गए और करते करते मैं सबसे आगे पहुंच गई, बिल्कुल स्टेज के पास ही पहुंच गई शूट करने के लिए। मैं आराम से शूट करती रही, थोड़ी देर में प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल 15-20 मिनट में प्रोग्राम ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है ना फिर सारे लोग मतलब काफ़ी भीड़ थी, तो मैं अपने हस्बैंड को ढूंढती रही और मैं बाहर आ गई, वो मेरे को मिले ही नहीं, मैं उनकी वेट भी करती रही, नहीं मिले। मैंने सोचा शायद वो ना चले गए होंगे पटेल नगर जियो की दुकान पर, क्योंकि वो कहते मैं तेरे फ़ोन को रिचार्ज करा दूँगा, तो ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं उनकी वेट करती रही, स्टैंड पर भी कहीं भी नहीं दिखे, मैं घर आ गई। घर आई, अभी घर आके दरवाज़ा भी नहीं खोला तो अंदर ना MTNL का फ़ोन बज रहा था, तो मैंने कहा शायद हस्बैंड मुझे ढूंढ रहे होंगे, कह रहे होंगे पता नहीं कहाँ गई। तो मैंने देखा कि वो तो उधर तालकटोरा ही बैठे हुए आराम से, और वहाँ पे वो रंग तरंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, यानी कि इस प्रोग्राम के बाद में वो प्रोग्राम होना था और कहीं पर इस तरह का नोटिस उन्होंने नहीं लगाया था कि कितने बजे मतलब ये प्रोग्राम होना है। पहले जो उन्होंने वो लगाए थे पोस्टर, उसमें 6 बजे का टाइम बताया था,
और अभी है मेरे ख्याल से साढ़े सात या आठ बजे के आसपास प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं घर में आ गई और वो वहाँ मजे से बैठे हुए हैं। कह रहे पप्पी साहब, मैं कहा मैं नहीं आ रही, अब आठ बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, पता नहीं 10 बजे तक तो पक्का चलेगा। तो फिर मैं कहा मैं नहीं आ रही, अब जो अब तक मेरी वीडियो है आपके भरोसे, अब खुद ही शूट कर लेना। मैं आज वाली शूट कर रही हूँ, वो डाल देती हूँ तुम जो है ना, वो रंग तरंग वाली। पर मेरा उस प्रोग्राम को देखने का बहुत ही मन था, मैं भी क्या करती, मुझे देखना था, वो सुनना था मतलब। तो ठीक है, अब मेरे हस्बैंड बैठे हुए आराम से, मुझे लग रही है भूख और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और जो है खाने में आज मैं बनाऊँगी कुछ बढ़िया सा, पिंक कलर का बनाऊँगी। आज मैंने जो दोपहर का लंच था वो भी पिंक बनाया था। अभी कुछ खा रहा, रात का डिनर भी पिंक ही बनाऊँगी। और जो है अब लग रही भूख तो कुछ खाने का बनाती हूँ, अब मिलती हूँ मैं खाना बनाते हुए आपको, खाना बना कर ही मिलती हूँ। और जो आज मैं वीडियो बना कर लाई हूँ, मैं वो डाल दूँगी और क्या करना है। पर अच्छी थी, चारों तरफ क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन थे, इतने चारों काफ़ी भरा हुआ स्टेडियम था, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है। और इंग्लिश के वो एक बैंड आ रखा था और इंग्लिश गानों पे डांस कर रहे थे लोग, तो मैंने उसी को शूट कर लिया। अगर मुझे पता होता कि उसके बाद वो प्रोग्राम है तो मैं घर ही नहीं आती। चल अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते, सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो चलो अब मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने के बाद में। और मुझे लग रही भूख, फिर मैं खाना खाने के बाद ही बात करती हूँ। तब तक हस्बैंड भी शायद आ ही जाएंगे, तो फिर भूख उन्हें भी लग रही होगी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ले गई थी पटाकर, अब गड़बड़ी हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मिलती हूँ बाद में। Oh, I'm the sun.
Glory to